स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मिसलेनियस करा रहा हूँ, ठीक है। और मिसलेनियस से पहले मैंने आपको 4.5 तक कराया है ना पूरा का पूरा, तो 4.5 में मैंने आपको कैसे क्या इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है। अब एक तो आता है सिंपल इक्वेशन गिवन देता है और उनको सॉल्व कराता है, बट अब मैं आपको इसमें तीन क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एक मैंने अपने पास से ले रखा है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में से, ये तो एग्जाम्पल है ना, एक मेरे पास वाला होगा और एक आपका कौन सा एक्सरसाइज में का हुआ। ये तीन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 से ज्यादा 4.5 के साथ हम उसको कर लेंगे अच्छे से। जब 4.5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और प्लस आपके तीन क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे, फिर आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह का बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजिएस्ट वे में, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आपका ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको बच्चे, उसने उसे यूज प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का यूज कीजिए और सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनको सॉल्व कीजिए। तो पहले ना एक काम करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि जो भी एस का आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या बेटा आपका 1 1 2 है, आपका 0 2 और आपका क्या है 3 है, और 3 2 बेटा आपका 4 है, और एक इसमें इंटू में क्या बेटा आपका 2 0 1 है, और 9 2 आपका 3 है, और 6 1 बेटा आपका 2 है, 6 1 और क्या बेटा आपका 2 है। आप इसकी इंटू कर रहे हैं बच्चों, तो इसकी इंटू करके क्या आ रहा है आपका, देखिएगा किससे करूंगा तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखना। और इसमें ना बेटा थोड़ा सा प्लस माइनस का सही कर लीजिएगा, यहाँ यहाँ माइनस है, ये हर बार इसमें गड़बड़ आई जाती है एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी में आपको अपने भी साइन सही कर लीजिएगा बेटा ये, ठीक है। तो मैं भी सही कर देता हूँ आपका, माइनस माइनस और यहाँ पर बेटा माइनस और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, ठीक है। तो चलिए फिर कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसमें बेटा। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 9 आ रहा है, ये प्लस का 12 आ रहा है आपका 2 6। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से तो क्या आ रहा है आपका बेटा 0 आ रहा है, और यहाँ पर करेंगे तो आपका माइनस 2 आ रहा है, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 2 आ रहा है। इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस 3 आ रहा है, और ये बेटा प्लस माइनस का 4 आ रहा है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 0 आ रहा है, और आप क्या करेंगे बेटा 18, और ये माइनस का भी 18 आ रहा है। इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा 0 आ रहा है, और ये आपका 4 आ रहा है, और ये बेटा आपका माइनस का 3 आ रहा है। इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 0 आ रहा है, और ये आपका माइनस 6, और ये प्लस 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है, और ये माइनस का कितना बेटा 18 आ रहा है, और प्लस का 24 आ रहा है। इसकी इससे करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा आपका 0 आ रहा है, और माइनस का 4 आ रहा है, और प्लस का भी 4 ही आ रहा है। अब इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 1 3 3 आएगा, और क्या आएगा बेटा आपका प्लस का 6 आ रहा है यहाँ पर, और ये बेटा 4 2 8 माइनस का आ रहा है। तो आप इसमें पाएंगे कि आपका क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1, ये 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये कौन सी मैट्रिक्स होती थी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी। अब यहाँ पर मैंने किया क्या है आप ध्यान से समझना बेटा, इसमें इसको मैंने क्या लेट कर लिया है, ए, ए क्यों लेट कर लिया, इसका लेट होता था ना ए, और इसको मैंने क्या मान लिया बेटा बी मान लिया, ठीक है। तो ए इंटू बी करके आपका क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ए इंटू बी, जब आपको पता है बेटा जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आई आता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अभी मुझे किसकी तलाश है, ए इनवर्स की तलाश है बेटा, मुझे ए इनवर्स चाहिए बेटा। तो ए इनवर्स चाहिए तो आपने क्या किया, ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपका बी, बी का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स बी है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तभी तो आपका इनकी इंटू करके आई आ रहा है ना। एक प्रूफ वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे ही बता रहे हैं आपको, है ना, कि भी दोनों तरफ आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है आपका ए इनवर्स बी, वो सॉरी ए इनवर्स इंटू ए, देखिएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू में बी, और सामने ए इनवर्स इंटू में आई, तो क्या आएगा बेटा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, आई आ गया यानी कि बी, और ये आपका ए इनवर्स, तो ये ऐसे आ जाता है। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो येलो वाला पोर्शन लिखा है मैंने, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ बेटा मैं इसको, ठीक है, बेकार में कंफ्यूज हो जाओ आप, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका सबसे अच्छा वैसली तरीका ये होता है बेटा इनवर्स का, कि भाई ए इंटू बी करके आई आ रहा है ना, तो ए को आई के अपॉन में भेज दीजिए, तो आई अपॉन ए इनवर्स इक्वल बी, ऐसे आप याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। फिर कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, आगे का क्या आ रहा है, आगे का ध्यान से देखिएगा बेटा, आगे का क्या आ रहा है, तो आप देखो बच्चों इसमें इससे आगे का क्या होगा, तो इससे आगे क्या बेटा आपका ए इनवर्स इक्वल बी आ गया है ना। अब यहाँ देखो बेटा इसमें ए, ए तो हमें पता है क्या है, और एक्स, एक्स आप किसको लेट करेंगे, आपको पता है एक्स वाई जेड को बेटा, एक्स वाई जेड। अब आप बेसिक क्वेश्चन में इसको सामने वाले को 1 1 2 को क्या मानते थे, बी, बट बी ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई नहीं सी मान लीजिए, है ना, सी मान लीजिए।
क्या है बेटा, आपका वन वन टू आंस में लेट कर लिया। अब आपको पता है कि एक्स इज इक्वल्स टू, वहां क्या होता था, ए इनवर्स इंटू में बी होता था, लेकिन बी की जगह यहाँ सी है, तो ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू सी आ गया है ना, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आपकी, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू बी है, तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दीजिए बेटा, बी इंटू सी। ए इनवर्स की प्लेस पर क्या लिख दिया आपने बेटा, बी, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल बी प्रूव हो चुका है आपका पीछे। तो यहाँ देखो और आसान क्वेश्चन हो गया आपका, आसान इसलिए हो गया है बेटा क्योंकि इसमें तो हमें क्या निकालने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स फाइंड भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आ गया बी। तो बी की वैल्यू क्या थी बेटा आपके, यहाँ पर देखिएगा माइनस टू जीरो वन, और क्या बेटा आपका नाइन टू और माइनस का थ्री, और क्या बेटा आपका सिक्स वन और माइनस का टू, और जबकि आपकी जो बेटा सी है, सी की वैल्यू कितनी आपकी बेटा वन वन टू। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप, इसमें प्रोडक्ट कैसे फाइन करेंगे, तो आप देखिए माइनस का टू आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, प्लस का टू आ रहा है, और यहाँ देखिएगा ये नाइन आ रहा है, ये टू वन का टू आ रहा है, माइनस थ्री टू का सिक्स आ रहा है, ये आप देखिएगा सिक्स प्लस वन माइनस फोर आ रहा है। तो आप देखिएगा बच्चे इसमें क्या है आपका फाइनली, है ना, तो फाइनली आपका क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, और ये कितना आपका इलेवन, इलेवन गया फाइव, और ये कितना बेटा सेवन, सेवन में से फोर गया आपका थ्री हो गया, और लेफ्ट में एक्स चल रहा था यानी कि एक्स वाई जेड आपने लिख दिया, तो एक्स इक्वल कितना है बेटा आपका जीरो, और वाई इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका फाइव, और जबकि जेड इक्वल कितना है आपका बेटा थ्री। ये तीनों वैल्यूज आपने निकाल ली, और इसको एक बार चेक भी करते हैं ना, ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पर, देखिए जीरो जीरो हो गया, फाइव देखिए माइनस माइनस फाइव, और यह थ्री देखिए थ्री टू का सिक्स में से फाइव गया वन बचा, एकदम एक्यूरेट सही है हमारा। अब इसी का जो एक एडवांस क्वेश्चन आता है ना इसी से रिलेटेड, तो उसको ढंग से समझना बेटा, जो जो बातें बताओ ना उसको सही से देखेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्म कहेंगे हाँ जी सर अब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल नहीं रखा आपको एडवांस में, देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें इसमें आपको क्या दे रहा था, उसने ए दिया है बी दिया है और कहा है देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड यूज दिस टू सॉल्व, और सॉल्व कीजिए उसके बाद। तो भैया पहले ना इसके सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं आपका ए इन टू बी कर रहा हूं मैं बेटा आपका, तो ए कितना आपका बेटा टू टू और माइनस का फोर, माइनस का फोर, और ये बेटा टू माइनस फोर और टू माइनस वन फाइव, और बेटा यहाँ पर बी बी लिख रहा हूं मैं आपका बेटा सेवन माइनस वन जीरो, और ये बेटा टू थ्री और फोर और जीरो वन और टू। आप ध्यान से देखना बेटा इसमें इसका प्रोडक्ट साइन कर रहा हूं मैं, तो प्रोडक्ट जब मैंने निकाला तो कितना आ रहा है आपका बेटा ये टू और प्लस फोर आएगा, तो है ना ये टू वन का टू, टू टू का फोर और नीचे जीरो। अब आप देखिएगा बेटा इसकी इससे होगी तो माइनस का टू आ रहा है और ये प्लस का सिक्स आ रहा है बेटा और माइनस का फोर आ रहा है। अब इसकी इससे होगी तो कितना आएगा बेटा आपका जीरो आएगा, प्लस का एट आएगा और माइनस का भी एट आएगा। इसकी इससे होगी बेटा तो क्या आएगा माइनस का फोर आ रहा है और प्लस का फोर आ रहा है और ये जीरो आ रहा है। अब इसकी इससे होगी तो कितना आएगा बेटा आपका ये फोर आ रहा है, ये सिक्स आ रहा है और ये कितना बेटा आपका माइनस का फोर आ रहा है। अब देखिए इसकी इससे होनी है तो बेटा ये क्या आना है आपका जीरो आना है, और बच्चे ये आपका टू फोर का एट आना है, टू फोर का एट, और ये भी माइनस का एट ही आना है। अब देखिएगा इसकी इससे होगी है ना, तो टू आना है और माइनस का टू आना है और जीरो आना है। अब इसकी इससे होगी बेटा तो क्या आना है माइनस का टू और ये आपका माइनस का थ्री और प्लस का फाइव। इसकी इससे होगी तो कितना आ रहा है बेटा आपका जीरो आ रहा है और माइनस का फोर आ रहा है और प्लस का टेन आ रहा है। तो इसको देखेंगे बेटा ध्यान से, तो ये कितना आ गया बेटा आपका सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो और जीरो जीरो सिक्स आ गया। सिक्स आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, कुल मिला के सिक्स आई आ गया बेटा आपका। तो ध्यान से देखेंगे बेटा सिक्स आई जब हमारा आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि भैया ए इंटू बी करके आपका क्या आ रहा है सिक्स आई आ रहा है। तो देखिएगा बेटा सिक्स को हम ए के अपॉन में ले जाए बी को उधर, यानी ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हो गए सिक्स के साथ। लेकिन अब ये देखेंगे हम कि हमें इनवर्स चाहिए किसका एक्चुअली, ठीक है किसका इनवर्स चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से हम देखेंगे इन दोनों में से कोई मैट्रिक्स इससे रिलेटेड होगी। हमने देखा यार क्या आना चाहिए जीरो वन टू, तो जीरो वन टू नहीं किसी ने भी ले आ रहा। अब हम करेंगे यार ये और चल पकड़ के बैठ जाएंगे, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है ना, तो कोई नहीं बेटा चारों तरफ को देखेंगे सही से, है ना। तो कोई नहीं ये क्या आपका वन और वाई वाला माइनस वन और जेड है नहीं तो जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, अच्छा मतलब ये सही आ रहा है। और ये क्या टू थ्री फोर, तो टू थ्री फोर ये भी सही आ रहा है। तो अब आप देखिएगा बेटा इसको तो मैंने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है क्योंकि फर्स्ट रो आ रही है, और इसको मैंने इक्वेट कर लिया सेकेंड, और ये वाली आपकी बेटा जो है आपकी जीरो वन टू, ये वाली है जीरो वन टू, इसको माना बेटा मैंने थर्ड इक्वेशन। बहुत समझ कर करना है हमने, बहुत आसान करा दूंगा बेटा मैं,
तो अब हम समझ गए कि हाँ जी ठीक है, कौन सा वाला, ये बी जो है हमारा ए की जगह बी है इस बारी, क्या है बेटा आपका, ये बी है, इसको मैं ए ही मान के चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको मैं ए ही मान के चल रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, बी इनवर्स की, तो यहां से बी इनवर्स को, यानी बी को आई के अपॉन में ले गया तो बी इनवर्स हो गया, और सिक्स को क्या ले गया, ए के अपॉन में, तो वन अपॉन सिक्स ए आ गया। तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी, वन अपॉन सिक्स ए आ रही है हमारी, ठीक है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ फिर ओवरली, कि भाई ए को अपॉन में लाएंगे, बी को इधर ले आए, आई के अपॉन में बी आया तो बी इनवर्स, और सिक्स को उधर ले गए ए के अपॉन में, तो ये आ गया आपका बी इनवर्स इक्वल वन अपॉन सिक्स है। अब ये तो ठीक है, अब आप जो आप लेट करते थे जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स होती थी बेटा, कॉन्स्टेंट वाली है ना, यहाँ पर बी इक्वल मानते थे ना इसको, सेवन थ्री और सेवनटीन को क्या मानते थे, बी, लेकिन यहाँ पर ए और बी ऑलरेडी यूज हो गया, तो मैं क्या ले रहा हूँ बेटा सी, तो सी अब क्या होगा, सी देखो बच्चा जल्दी में, सेवन थ्री और क्या लिख देगा, सेवन थ्री और थर्टीन, ये गलत है, गलत है भाई, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे थ्री, सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे सेवनटीन, थर्ड इक्वेशन से लिखेंगे सेवन, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया ना, तो ध्यान से देखना आप इसमें बेटा, बहुत अच्छे से समझ बनानी हमने, कुछ भी नहीं, बेहद आसान है बेटा, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड करके दे रहा था और मैंने कितना इजिएस्ट वे में आपको समझाया है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर एक बार में समझ लेना है दोबारा देख लेना इस वीडियो को, बट मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा आपको पूरे साल इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी घुमा के दे दे वो, फिर अब देखना कितना आसान हो जाएगा बेटा। आप जानते हैं ना, आप तो यह करते आ रहे हैं कि भैया एक्स इन वर्स टू क्या आना है आपका, अब हमारा बी है तो बी सही, तो बी इन वर्स इंटू में सी आना है भैया, बी इन वर्स की वैल्यू कितनी है, वन अपॉइंट सिक्स है, वन अपॉइंट सिक्स ए, और इंटू में क्या आना है सी आना है, तो वन अपॉइंट सिक्स है सी रखो, और ए ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी यहाँ पर, ए ए ये रहा हमारा, तो देखिएगा टू टू और कितना बेटा आपका माइनस फोर, और ये माइनस फोर और टू और कितना बेटा आपका माइनस फोर, और ये कितना बेटा आपका टू माइनस वन और कितना बेटा आपका फाइव। अब आप देखिएगा बेटा सी, सी की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी, ये रही, तो कितना है थ्री सेवनटीन और बेटा आपका सेवन। सी निकालते हुए सिक्वेंस का रखेंगे बेटा, सी निकालते हुए सिक्वेंस का ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कैसे लेट किए वो आपको सोचना है, वैसे नहीं लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या है बेटा हमारा, इसको हम क्या करेंगे, वन अपॉइंट सिक्स आपका एज इट इज, अब आप इसकी इंटू कर लीजिए इससे, तो टू थ्री दस सिक्स और ये बेटा आपका कितना सेवनटीन, टू दर्टी फोर और माइनस फोर सेवन का कितना आएगा बेटा आपका ट्वेंटी एट, अब इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका माइनस के ट्वेल्व और कितना आएगा बेटा आपका थर्टी फोर और ये कितना आएगा बेटा आपका ट्वेंटी एट। अब यहाँ आ जाइए बेटा इस वाले में, तो कितना आ रहा है टू थ्री जो सिक्स आ रहा है और ये माइनस का सेवनटीन आ रहा है बेटा और प्लस का फाइव थ्री फाइव सेवन जो थर्टी फाइव, तो आप देखिएगा बेटा वन अपॉइंट सिक्स आपका एज इट इज रहा। यहाँ पर ये कितना हो बेटा आपका फोर्टी, फोर्टी में से गया कितना बचा ट्वेल्व, आप देखिएगा ये इसमें से गया कितना बचा बेटा सिक्स, सिक्स और माइनस तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का सिक्स ही आ रहा है। अब देखिएगा ये वाला आपका थर्टी फाइव और ये थर्टी फाइव में से सेवनटीन गया एटीन, एटीन और सिक्स ट्वेंटी फोर, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर लेफ्ट में तो x चल रहा था ना बेटा x, तो x को मैं क्या लिखने वाला हूँ आप ध्यान से देखिएगा, x को मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ लिखूंगा वही एक्स वाई जेड जो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप डिवाइड करके लिख लीजिए तो कितना आ रहा है सिक्स टू जा और सिक्स वन जा और सिक्स फोर जा, देन बेटा एक्स इक्वल आपका टू, वाई इक्वल आपका कितना माइनस वन और जेड इक्वल कितना बेटा आपका फोर, ये आपका हो गया है पूरा का पूरा। आप ध्यान से देखेंगे इसको समझेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ लीजिए इसको और पुट करके भी देख लीजिए। इसमें देखिए वाई, वाई इक्वल क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर माइनस वन और जेड इक्वल क्या रख रहा हूँ फोर, तो एट और एट में से माइनस वन गया कितना बच रहा है बेटा आपका सेवन बच रहा है, तो बड़े अच्छे से समझना है बेटा इन क्वेश्चन को हमने, ठीक है, बहुत आसानी से समझवाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या है आपके बेटा, इसमें देखिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है आपके, सिंपल क्वेश्चन से कोई मुश्किल नहीं है, क्या कह रहे हैं डिटरमिनेंट, ये जो आपका इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो थीटा से अगर इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू में थीटा नहीं आना चाहिए इनमें, बस ये ध्यान रखना हमने बेटा और कुछ नहीं है। तो देखिएगा हमने क्या करना है, वैल्यू जैसे निकालते थे देखिएगा बेटा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एक्स इसकी से करेंगे तो माइनस का क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का वन और माइनस का साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया बेटा आपका, इसकी से करेंगे तो माइनस का एक्स साइन थीटा हो गया और बेटा माइनस का क्या हुआ ये आपका कोस थीटा हो गया। अब देखिएगा प्लस कोस थीटा और क्या आएगा अंदर कोस थीटा में,
माइनस का साइन थीटा आ गया बेटा आपका, और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बेटा आपका एक्स कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो इसकी सीओडी तो माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का क्या है बेटा आपका एक्स, और देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा बेटा आपका ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या है आपका साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और ये बेटा प्लस क्या आ रहा है एक्स और कॉस की कॉस होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो दोनों कैंसिल प्लस माइनस के। और आप देखिएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन से एक ही चीज याद कर रहे हो आप, इसमें क्या याद कर रहे हो कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है वन होता है, तो ये वन आ गया आपका, तो क्या हुआ माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये कैंसिल, तो क्या रहा आंसर इज माइनस का एक्स क्यूब। तो भैया एक्स क्यूब में थीटा एब्सेंट है, प्रेजेंट है, थीटा दिखाई दे रहा है आपको कहीं यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई है थीटा से इंडिपेंडेंट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, इवेल्युएट करना है इसको, तो इसको भी हम वैसे इवेल्युएट करेंगे। देखिएगा बेटा क्या कर रहा हूं मैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा बाहर रखा बेटा आपने, और क्या आएगा बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी इससे करेंगे तो क्या आ रहा है फिर वही आ रहा है कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और इसकी करेंगे तो जीरो। अब आप देखिएगा माइनस का कॉस अल्फा और साइन क्या आ रहा है बेटा आपका ये बीटा, और देखिएगा बेटा इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कॉस अल्फा और साइन क्या आएगा बेटा आपका बीटा, जबकि ये आपका क्या आ गया जीरो। अब देखिएगा बेटा क्या है माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा तो ये आएगा, तो इसकी इससे भी तो क्या आएगा बेटा देखिएगा माइनस का साइन अल्फा ओके और साइन स्क्वायर बीटा ये आ गया बेटा, और बीच में आता है माइनस, इसकी इससे होगी तो साइन अल्फा और कोज स्क्वायर बीटा, क्या आ रहा है बेटा आपका साइन अल्फा और कोज स्क्वायर बीटा। तो कैलकुलेशन से ढंग से देखनी है बिल्कुल अच्छे से, देखिएगा इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा कोज स्क्वायर अल्फा, क्या आ रहा है बेटा आपका कोज स्क्वायर अल्फा और कोज स्क्वायर में बीटा, और ये जीरो। और देखिएगा यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस बेटा क्या आ रहा है ये प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर में बीटा। अब यहां देखना बेटा अंदर से साइन अल्फा कॉमन आ रहा है माइनस का, तो बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एक साइन अल्फा अंदर था एक बाहर था एक अंदर से आया, तो साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा बेटा आपका साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कोज स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा ध्यान से इसमें यहां पर ये कितना आ रहा है बेटा, इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है कोज स्क्वायर अल्फा आपका कॉमन, अंदर बचा कोज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये आपका देखिए बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हुआ बेटा आपका वन, ये भी कितना हुआ बेटा वन, तो कोज स्क्वायर अल्फा और इंटू में क्या हुआ वन, और ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा, तो फाइनली ये क्या है कोज स्क्वायर अल्फा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना बेटा आपका वन आ गया। देखिए इसमें अल्फा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसमें भी वो कह सकता था आपसे कि ये प्रूफ कीजिए कि अल्फा से इंडिपेंडेंट है, तो है बिल्कुल, अल्फा तो नहीं आ रहा ना, तो ये भी क्वेश्चन कह सकता था वो आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, उसने दिया है ए इनवर्स और दे रखा है बी, और कह रहा है फाइंड ए इंटू बी का होल इनवर्स, तो हमें पता है ये आता है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ए इनवर्स आपके पास है ऑलरेडी, बी इनवर्स आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे कोफैक्टर से बेटा, पहले पूरे कोफैक्टर निकालना, बस इसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा कराऊंगा नहीं ये फालतू का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या आ रही है बेटा इसकी ध्यान से देखना, इसमें बी में क्या करेंगे बी वन वन फिर निकालेंगे क्या बेटा बी वन टू, यानी कि इसके सारे कोफैक्टर्स, और बी वन थ्री उसके बाद क्या आएगा बेटा आपका बी टू वन, और क्या आएगा बेटा आपका बी टू टू, और क्या आएगा बेटा आपका इसमें बी टू थ्री, और क्या आएगा बेटा आपका बी थ्री वन, और क्या आएगा बेटा आपका बी थ्री टू, और क्या आएगा बेटा आपका इसमें बी थ्री थ्री, ये जब निकल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे ये निकालेंगे बेटा, ये निकालेंगे कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से ना, ये निकल जाएगा आपका, उसके बाद आपको पता है कि बी इनवर्स आप कैसे निकालते थे, बी इनवर्स आप कैसे निकालते थे वन अपॉन डिटरमिनेंट बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी,
और ये जॉइंट ऑफ बी किससे निकलता है आपको पता है, इनका ट्रांसपोज है ना, वन अपॉन बी, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका बी वन वन, बी वन टू और बी वन थ्री और बी टू वन और बी टू टू और बी टू थ्री और बेटा आपका बी थ्री वन और बी थ्री टू और बी थ्री थ्री का होल ट्रांसपोज। ये निकालने के बाद आपका क्या आ जाएगा बी इनवर्स, जब आपका बी इनवर्स आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर उसको पुट कर देंगे बी इनवर्स इंटू इनवर्स और आपका हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे ठीक है, बहुत अच्छे से कर चुके हैं प्रैक्टिस के लिए, लिख लेंगे सब कुछ खास है नहीं इसमें ठीक है। अब देखिएगा ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको इसको भी सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा मैं इसकी भी ठीक है, ध्यान से देखना बेटा इसमें इसमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, ऐसे एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का, तो आप ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले सिर्फ एडजॉइंट की बात करूंगा मैं, तो एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकलेगा ए वन वन ठीक है बच्चे, ए वन टू और फिर क्या बेटा आपका ए वन थ्री, ए टू वन है ना बेटा और ए टू टू और ए टू थ्री और बेटा ए थ्री वन और ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है आपको पता है कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे इन ही का है ना, ये मैं लिख देगा टाइम वेस्ट नहीं करता बेकार लंबी वीडियो जाएगी। तो जब एडजॉइंट ए आ जाएगा तो एडजॉइंट ए को आप क्या मान लेंगे बेटा, मान लीजिए यहाँ पर आप बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा एडजॉइंट ए को बी ठीक है। अब बी मान लिया, अब एडजॉइंट ए का क्या निकालना है इनवर्स, इसका मतलब आपका आगे का क्वेश्चन हो जाएगा कि आपने क्या निकालना है बी इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपने बी इनवर्स निकालना है ठीक है। तो ये तो हो गई सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड को मैं कैसे समझा रहा हूं आपको, राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ आपकी क्या हुई है लेफ्ट हैंड साइड हुई है ना, राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए बेटा एडजॉइंट चाहिए ए इनवर्स का, तो इसका मतलब क्या पहले ए इनवर्स तो निकाल लो, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा आपको पता है एडजॉइंट आ चुका है ना, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए यूज करेंगे ये वाला बेटा आपका ठीक है। तो जब ये निकल जाएगा तो आप इसको भी क्या मान लेना, कोई नई मैट्रिक्स मान लेना, क्या मान लेना, मान लो सी मान लेना, कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको सी, अब आपको क्या निकालना सी का एडजॉइंट, तो अब आप इसका क्वेश्चन बनेगा आपका कि एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है बेटा एडजॉइंट ऑफ सी, ये क्या हो जाएगी आपकी आर एच एस हो जाएगी, और जब आप बाद में देखेंगे तो ये दोनों क्या आ गई होंगी इक्वल आ गई होगी ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे ए इनवर्स को क्या मान लेंगे बेटा हम सी, तो C का इनवर्स दोबारा निकालेंगे तो वापस क्या जाएगा A, देखिए A इनवर्स को आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसके लिए पहले A इनवर्स निकालेंगे, जब A इनवर्स आ जाएगा उसको क्या मान लेंगे बेटा C, फिर C का भी क्या निकालेंगे इनवर्स निकालेंगे और C का इनवर्स वापस क्या आ जाएगा बेटा A, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन थे सिर्फ इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर सच में वाकई में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन जरूर करना। चलिए अब आगे देखिएगा आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा किसके अकॉर्डिंग लास्ट बोल रहा हूं मैं आपका कि जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला होता है, तो कैसे करते हैं आप इसको देखना बेटा फटाफट, इसको देखिए कितने आसानी से आप कर सकते हैं इसको बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, आप इसमें लेट कर लेंगे, आपने लेट कर लिया बेटा इसमें ए, इक्वल क्या लेट कर लेंगे बेटा आप इसमें टू थ्री टेन और क्या बेटा आपका फोर और माइनस सिक्स और फाइव और बेटा क्या है सिक्स और नाइन और माइनस का ट्वेंटी, बस फर्क इतना आएगा कि x इक्वल आप कैलकुलेट करेंगे देखिएगा वन अपॉन x और वन अपॉन y और वन अपॉन z, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और b b इक्वल आप वही कर लीजिए सामने वाला, तो क्या बेटा आपका फोर वन टू, ये वही सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, ध्यान से देखेंगे अब इसको करेंगे जब तो क्या पाएंगे हम इसमें ठीक है। इसमें क्या पाएंगे बेटा ए वन वन निकाल लो, हमें ए वन वन कैसे निकलेगा हमें पता है, तो कितना आ रहा है बेटा आप ध्यान से देखिएगा, प्लस का कितना आएगा बेटा आपका वन ट्वेंटी और माइनस का कितना आएगा फोर्टी फाइव है ना। अब आप देखिएगा कितना बच रहा है आपका ये 75, अब देखिएगा ए वन टू, तो ए वन टू किसका आएगा माइनस का, तो आप इस वाले को हाइड कर लेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 80 आ रहा है बेटा आपका और ये कितना आ रहा है बेटा माइनस का 30 आ रहा है, तो कितना हुआ प्लस का 110 हो गया। और ए वन थ्री देखेंगे बेटा, तो ए वन थ्री कितना आएगा आप ध्यान से देखेंगे, तो कितना आ रहा है बेटा आपका नाइन फोर कितना बेटा आपका 36 और यहाँ पर देखेंगे बेटा इसको हम, तो क्या आएगा आपका
ये भी क्या है प्लस का 36, तो कितना आ रहा है प्लस का 72, कितना आ रहा है बच्चों ये प्लस का 72। अब आप देखिए 821, 821 में क्या आएगा बेटा माइनस का आएगा और ये आप हाइड कर लेंगे तो माइनस का 60 आ रहा है बेटा और कितना आ रहा है माइनस का 90 आ रहा है, तो कितना प्लस का 150 हो गया। और 822 जब हम निकालेंगे बेटा तो माइनस का कितना आ रहा है 40 आ रहा है और कितना आ रहा है माइनस का 60 आ रहा है, तो कितना बेटा माइनस का 100 हो गया। और आप देखेंगे 823 तो कितना माइनस का 23 में आप ध्यान से देखिएगा बेटा, तो कितना आएगा 18 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे बेटा इसमें 31, तो 31 वाले में प्लस आएगा, ये आप देखिएगा 3 5 15 और बेटा प्लस का कितना आ गया बेटा आपका 60, तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों ये प्लस का 75 आ रहा है। और 32 बेटा माइनस में आ रहा है, 32 आपका किस में आ रहा है माइनस में, तो 10 और माइनस का 40 तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का 30, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाहर माइनस की वजह से। ठीक है देखिएगा इस वाले में कितना आ रहा था 10 माइनस 40 तो कितना ये आ गया। और बेटा 33 तो क्या आएगा बेटा आपका, आप देखिएगा माइनस का 12 और माइनस का 12, माइनस का 12 और माइनस का 12 तो माइनस के कितने हो गए बेटा माइनस के 24 हो गए। अब यही से हम क्या निकालेंगे बेटा डिटरमिनेंट ए, तो अब आपको पता है 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 75 से, ओके, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा आपकी 110 से, और बेटा 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी 72 से, 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी 72 से। तो आप देखिए कितना आ रहा है बेटा आपका 150 आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा आपका 330 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 720 आ रहा है, तो 000 तो 0 ही हो गया बेटा आपका, 2350 हो गया बेटा आपका, 8 और 3 कितना बेटा आपका 11 और 1 12 हो गया बेटा आपका, यहाँ पर ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको बड़े अच्छे से पता होता है इसमें। ठीक है आपको फाइंड क्या करना है, एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी, तो ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू में बी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका 1200, जबकि एडजॉइंट क्या आएगा आपको पता है यही आएगा 75 110 और कितना बेटा आपका 72, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा आपका ये 150 और कितना है माइनस का 100 और ये कितना बेटा आपका 0 और ये कितना बेटा आपका 75 और ये आपका 30 और ये कितना बेटा आपका माइनस का 24 का होल ट्रांसपोज, और बेटा बी बी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 4 1 और 2। अब आप देखिएगा 112 आपका ये रहा, अब देखिएगा 1200 है ना बेटा, अब देखिएगा इसकी इसका ट्रांसपोज लिख लीजिए पहले आप, तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो कितना आएगा 75 और नीचे को 110, ठीक है नीचे को कितना आ रहा है आपका 110 और कितना आएगा बेटा आपका 72, और यहाँ पर करेंगे बेटा आप इसमें जो आपके सेकंड है तो कितना है 150 है और माइनस का बेटा 100 है और कितना है आपका 0, फिर आप देखिए इसको लिखेंगे तो कितना बेटा आपका 75 है और कितना बेटा आपका 30 और माइनस का 24 है, और इंटू में बी बी आप वही लिख दीजिए क्या है बेटा आपका 4 1 और 2। अब देखिएगा इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि वैल्यू क्या आ रही है आपकी, है ना, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें ये आपका क्या है एक्स इजिकल्स टू 1200 एज इट इज आपका। अब आप इंटू कर रहे हैं आप इसमें इसकी इससे इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 300 आ रहा है, और देखिएगा बच्चों इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 150 आ रहा है, और जब इसकी इससे करेंगे तो ये भी आपका 150 ही आ रहा है। अब देखिएगा इससे करेंगे तो इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 440, और देखिएगा इसकी इससे करेंगे तो आपका कितना आ रहा है बेटा 100 आ रहा है, और इसकी इससे करेंगे तो 3 2 6 आ रहा है बेटा। ठीक है देखिए इसकी इससे हुई तो आपका 440 ये आया आपका, और इसकी इससे हुई तो कितना है बेटा आपका 60। अब यहाँ देखिएगा कितना आ रहा है बेटा आपका 4 की इससे करेंगे तो कितना आ रहा है 288 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, और जबकि 2 की करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 48 आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, सॉल्व करके आपका कितना आएगा देखिएगा, ये वाला कितना हुआ 600 हो गया बेटा आपका, और ये वाला कितना हुआ आपका बेटा आपको पता होना चाहिए कितना हो गया 500 400 हो गया, है ना,
और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना ऑर्डर आपका 240 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका कितना आ रहा है, देखिए लेफ्ट में एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, क्या थी 1/x, 1/y और 1/z, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी जब इससे डिवाइड करूंगा तो 1/2, ये आएगा 1/3 और ये आएगा बेटा आपका 1/5। तो सीधा सीधा है बेटा आपका एक्स इसके लिए आपकी स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे ना, तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 2 आ गई है, और वाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 3 आ गई है, और बेटा जेड जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा 5 आ गई है। ये सारी वैल्यूज आ गई, आप इसको पुट करके भी देख सकते हैं। तो एक्स की जगह अगर 2 रखूंगा 2 से 2 कट गया 1, अब यहाँ 3 रखूंगा 3 से 3 कट गया 1, 1 और 1 2, और यहाँ 5 रखूंगा 5 to the 10, तो 2 2 1 1 कितना आ रहा है 4। ओके तो देख लीजिएगा बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, हालांकि वर्कशीट भी कराऊंगा लेकिन इसमें ही काम हो जाएगा आपका बड़े आराम से, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको मिसलेनियस में। ये पूछ रहा है बेटा आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, ये वैल्यू पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो मे बी आप इन्वर्स निकाल ही लोगे, है ना, इसका इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम होगी क्या बताओ। अरे एक मैट्रिक्स दे रखी है सीधी सीधी, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगा, ऑर्डरली बतवा देते हैं, इसको ऑर्डरली मत रखना, ठीक है, ऑर्डरली मत रखना बस, ठीक है, ऑर्डरली मत रखना बिल्कुल भी, आप खुद कीजिएगा इसको। अब रही बात इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, एंड बिल्कुल बेटा ये एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी आपकी और ये चैप्टर भी, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, अक्सर दे देते हैं इसको। तो उसने कहा ए ये दे रखा है, तो उसने कहा है कि ये वैल्यू आपकी है तो क्या होगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पूछी आपसे, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट ए निकालना होना में, तो डिटरमिनेंट ए क्या है 1, और ये आपका साइन थीटा, और ये आपका 1, और ये माइनस का साइन थीटा, और ये आपका 1, और ये आपका साइन थीटा, और ये आपका माइनस 1, और माइनस का साइन थीटा, और बेटा आपका क्या दे रखा है उसमें 1। इवेल्यूट कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, सबसे पहले तो मैंने क्या किया 1 को बाहर ही रखा, और ये आपका अंदर, तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस का क्या आना है बेटा आपका साइन थीटा आना है, और ये माइनस का साइन थीटा बेटा आपका, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, ये तो आपस में कैंसिल ही हो रहेंगे, ठीक है। और देखिएगा प्लस 1, इस 1 के अकॉर्डिंग क्या आना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है बेटा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है बच्चे। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये और ये कितना हुआ 1 और 1, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको, ये आ गया, ये 0 आ गया, और ये आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस 1 आ गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया आपने तो क्या हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बल्कि ये भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, यार हमने ये देखना है ना इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बड़ा मतलब ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन है कुछ नहीं, आप बिलीव करो, आपको साइन थीटा की रेंज पता होनी चाहिए, माइनस 1 से प्लस 1 होती है, क्या होती है आपकी माइनस 1 से लेकर प्लस 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा ये सिंपल सी बात है बेटा इसमें, कि भाई जो हमारे साइन थीटा होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू इस एंगल पर, किस एंगल पर बेटा, 0 से 2π तक, है ना, यही एंगल होता भी है 360 तक आपके सिलेबस में। तो क्या होता है बेटा आपका, 0 से लेकर कहां तक होती है, माइनस 1 से लेकर कहां तक होती है बेटा, माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक होती है। बट अगर आप चाहें कि भाई मुझे साइन नहीं, साइन का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर में बेटा निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो ये 0 हो जाता है, और ये आपका 1 का 1 रहता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा आपका 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा आपका 1 ही होगा। तो आपने ये कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं, क्या चाहिए 1 प्लस, तो आपने क्या किया एडिंग 1, तो बेटा इधर भी 1 ऐड कर दिया आपने, इसमें भी 1 ऐड कर दिया बेटा आपने, है ना, और इसमें भी 1 ऐड कर दिया आपने, तो ये कितना है बेटा आपका 1, और ये कितना बेटा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेटा आपका 2। अब आप देखिए यहाँ भी कहानी नहीं रुकी, आपको क्या चाहिए 2 इंटू में भी चाहिए, तो इंटू में 2 चाहिए, तो आपने क्या लिखा मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आ गई है ये, है ना बच्चों, तो 2 इंटू 2, और देखिए ये 2 1 2 आ गया, और ये वैल्यू इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा डिटरमिनेंट ए, और आप देखिएगा इसको क्या लिखा 4, तो
डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 से लेकर 4 तक आ गई क्लोज इंटरवल में। तो कौन सा आपका बेटा, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ढंग से करा दिया है मैंने, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, ठीक है बेटा। थर्ड और फोर्थ को जल्दी से करके रख दीजिए, फिर मैं फिफ्थ चैप्टर के साथ आता हूँ, कैलकुलेशन वाले चैप्टर से बेटा आपके, जो कि कैलकुलस हम करेंगे। तो कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, कैलकुलस के लिए आपको तैयार होना है, थर्ड फोर्थ को बिल्कुल इजी बना देना है, प्रैक्टिस कर करके, बेहद प्रैक्टिस कर करके इजी बना दो जल्दी से, थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर को पूरा करा चुको आप अच्छे से कीजिए बेटा, ठीक है।